हेलो इस वीडियो में मैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस बतलाने जा रहा हूँ इसे मैं पॉइंट वाइज बतलाऊँगा तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे फर्स्ट पॉइंट इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एलिमेंट जो होता है वो सब्सटेंस का सबसे सिंपल फॉर्म होता है कंपाउंड इट इज़ प्योर बट नॉट सिंपलेस्ट कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस में आता है लेकिन ये सिंपलेस्ट नहीं है एलिमेंट सेकेंड पॉइंट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इन ऑल रिस्पेक्ट एलिमेंट्स जो होता है वो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हुआ होता है और वो सारे एटम्स एक जैसे होते हैं बिल्कुल एक जैसे कंपाउंड्स सेकेंड पॉइंट इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जबकि कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट टाइप के आइटम से बना हुआ होता है थर्ड पॉइंट एलिमेंट वेन टू और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट अ कंपाउंड इज फॉर्म जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्शन करता है तो एक न्यू कंपाउंड बनता है थर्ड पॉइंट कंपाउंड वेन टू और मोर कंपाउंड रिएक्ट दैन अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म और जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्शन करता है तो जो सब्सटेंस बनता है वो खुद कंपाउंड ही होता है वो एलिमेंट नहीं होता है फोर्थ पॉइंट एलिमेंट मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव अधिकतर एलिमेंट जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है जैसे सोडियम पोटेशियम लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसा भी होता है जो रिएक्टिव नहीं होता है जिसमें नोवल गैसे जाता है गोल्ड है प्लेटिनम है कंपाउंड मोस्ट ऑफ कंपाउंडस आर नॉन रिएक्टिव कंपाउंडस में अधिकतर कंपाउंड नन रिएक्टिव होता है वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं फिफ्थ पॉइंट टिल नाउ वन हंड्रेड सेवनटीन एलिमेंट्स हैज बिन डिस्कवर्ड एंड दे आर लिमिटेड एलिमेंट्स का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है अभी तक एक सौ सत्रह एलिमेंट को डिस्कवर किया गया नंबर फाइव कंपाउंड देर आर बिलियन ऑफ कम्पाउंडस दे आर अनलिमिटेड अभी तक बिलियन्स ऑफ कंपाउंड्स बनाए जा चुके हैं और इनकी जो संख्या है वो अनलिमिटेड है एलिमेंट एन एलिमेंट कान भी कन्वर्टेड इंटू मोर सिंपल फॉर्म एक एलिमेंट को और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है कंपाउंड और कंपाउंड कैन भी कन्वर्टेड इंटू मोर सिंपल फॉर्म एलिमेंट जबकि कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा नंबर सेवेंथ एलिमेंट इट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स नॉन मेटल्स मिटलाइट्स एक्सेट्रा एलिमेंट्स को अलग अलग क्लासिफाई किया गया जिसमें मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलाइट्स इत्यादि आते हैं कंपाउंड इट कैन बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रोवायलेंट और कोवायलेंट कंपाउंड्स। जबकि कंपाउंड्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया जिसमें इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, जिसको कि आयोनिक कंपाउंड भी बोलते हैं और दूसरा कोवायलेंट कंपाउंड्स इत्यादि आता है ओके थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो